नमस्ते दोस्तों, प्रश्नोत्तरी का आगे का पार्ट है चैप्टर 6। इसमें है बलवा, बूथ कैप्चरिंग आदि के कारण मतदान स्थगन या रोक। इससे संबंधित कुछ एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला, यदि मतदान केंद्र पर शांति भंग हो जाए और मतदान कराना असंभव हो जाए तो क्या पीठासीन अधिकारी मतदान को स्थगित कर सकता है? हाँ, कर सकता है। यदि किसी मतदान केंद्र पर पुनः मतदान होता है तो अमिट स्याही मतदाता की किस अंगुली में लगाई जाती है? तो जवाब है, बाएं हाथ की मध्यम अंगुली में लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि पीठासीन अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि मतदान केंद्र पर बूथ कब्जा किया जा रहा है तो वह आगे और वोट डालने को सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगा? तो जवाब है, कंट्रोल यूनिट को तत्काल बंद करके कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को पृथक कर देगा, मतलब अलग कर देगा। यह निर्वाचन संचालन नियम 1961 का नियम है।